सुबह के 5:04 हो रहे हैं और मैं आज कहीं ट्रिप पर निकल रहा हूँ। रास्ते में बताऊँगा कि कहाँ जा रहा हूँ, तब तक स्टे ट्यून। और अभी तब तक के लिए बाय बाय। बज गया है और हमें लग गए लगभग 4 घंटे हरिद्वार आने में। पिछली बार जब आया था तो ये सब पूरा बन रहा था, कुंभ की तैयारियां चल रही थी और काफ़ी अच्छा बन गया। ये आगे निकलते हैं,
के बाद एक ऐसा कट आता है जहाँ से एक रास्ता जाता है बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए और एक रास्ता जाता है गंगोत्री यमुनोत्री के लिए। तो हम लोग को गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते पर जाना है। ये रास्ता जाएगा बद्रीनाथ केदारनाथ, ये रास्ता जाएगा गंगोत्री यमुनोत्री। हम लोग गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ। ये चार धाम सड़क परियोजना है जो बन रही है और जिस तरह की हालत है उसकी टेंशन देखते हुए मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में कोई भी आराम से दिल्ली से या ऋषिकेश हरिद्वार से बिना थके बिना अपने आप को परेशान किए चार धाम यात्रा कर सकते हैं। हाँ बस ये जरूर रहेगा कि यहाँ पे ऊँचे और ऊँची जगहों पे पहाड़ियों के सरकने और रखने के बाद का सिलसिला जारी रहता है तो कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो इसलिए सावधानी से और पढ़ते रहें। अभी हम लोग उत्तरकाशी की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग उत्तरकाशी यहाँ से लगभग 165 किलोमीटर रह गया है। वो इसलिए बोलना पड़ रहा है कि जब आज मैं सुबह घर से निकला तो मैंने देखा कि मेरा स्पीड मीटर खराब है, मीटर चली नहीं रहा, ना किलोमीटर ना स्पीड। क्योंकि ये क्लासिक 350 है तो इसमें फ्यूल मीटर नहीं होता है। तो आपको जो ड्राइवर है वो अपने हिसाब से चीज़ें देखता है, चलाता है और करता है कि कितने किलोमीटर चल चुकी है तो अपने माइलेज के हिसाब से उससे मेंटेन रहता है। लेकिन क्योंकि आज मीटर नहीं चल रहा था तो फिर मुझे थोड़ा सा इसके साथ धोखा हुआ क्योंकि किलोमीटर का एक वर्कना बहुत मुश्किल है। तो अब हम लोग सिंचाई पर आ गए हैं। सामने इसके शहर है, उधर रेलवे स्टेशन है और इस तरफ से वो गंगा बहती हुई जा रही है। यहाँ से गंगा बहती हुई जा रही है और ये जा रही है हरिद्वार की ओर। पैलेस है, नरेंद्र नगर फोर्ट। आई थिंक ये फोर्टिंग में कन्वर्ट हो गया है लेकिन एक छोटे से वेकेशन के लिए एक बड़ी अच्छी जगह है ये। और यहाँ से रात में ऋषिकेश का नज़ारा बड़ा अच्छा आता है क्योंकि ये तो पहाड़ियाँ में शांत रहती हैं। देश की जो जगमगाहट है रातों की वो यहाँ से साफ दिखाई देती है।